आप अपने क्लाउड फेयर अकाउंट में साइट मेंटेनेंस के लिए पेज कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे एक चलते हुए साइट को उसको मेंटेनेंस के रूप में ला सकते हैं। सिंपली एक वर्कर को ऐड करते हुए मैनेज वर्कर में जाएंगे, क्लाउड फेयर अकाउंट अगर आपका है तो वहां पे मैनेज वर्कर में जाएंगे। को न्यू वर्कर क्रिएट करना है तो क्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक मेंटेनेंस करके एक मेंटेन करके मैंने क्रिएट किया है वर्कर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका URL 10.githost.worker.dev करके एक URL है। हम इसके क्विक एडिट में जाएंगे। क्विक एडिट में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक इवेंट लिस्नर लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ कंटेंट है, HTML कंटेंट हम यहाँ पे लिख के रखे हैं कि जब इसको डिप्लॉय करे और जब हम ट्रैफिक को, जो मेन साइट है bitpost.in उसके ट्रैफिक को जब हम इससे राउट करें, जो HTML डॉक्यूमेंट है ये क्लाइंट मशीन पे सर्व होकर आए, तो इसका एग्जांपल दिखाएंगे। यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा और मैं इस कोड स्निपेट को वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा जहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। ये सिंपल है, आप एक क्रिएट कर सकते हैं और एक क्लिक पे आपका वर्कर काम करना स्टार्ट कर देगा। अभी हम यहाँ पे वर्कर में गए, आप यहाँ देख सकते हैं साइट अभी चल रहा है, साइट एज यूजुअल अभी चल रहा है। हम इसको चाहते हैं कि मेंटेनेंस मोड पे लाए और हमको ज्यादा कुछ करना ना पड़े, एक क्लिक पे अपना मेंटेनेंस मोड में आ जाए। तो यहाँ पे जो वर्कर हम क्रिएट किए हैं वो वर्कर यहाँ पे लिस्ट होकर आया हुआ है, कितना इतना सारा वर्कर क्रिएटेड है, तो उसमें से हम इस वर्कर को सिलेक्ट किए क्योंकि अभी मेरा काम इसके लिए है। तो ये वर्कर चेंज हो गया, मेंटेन पे आ गया। अभी मैं प्राइवेट ब्राउजिंग में जाता हूँ, सर्व होना चाहिए जो कंटेंट वहां पे है, वो चीज यहाँ पे सर्व होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं, आई विल बी राइट बैक, वी आर वेरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बट वी आर परफॉर्मिंग मेंटेनेंस, प्लीज चेक बैक। यू कैन, आप ये यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप अपना कुछ कस्टम यहाँ पे थीम डालना चाहते हैं या कुछ डालना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। वन क्लिक पे साइट मेंटेनेंस मोड में आ गया। अभी मैं इसको हटा कर सिक्योर हेडर पे कर देता हूँ, मेंटेनेंस से हटा कर सिक्योर हेडर पे, और फिर से मैं प्राइवेट ब्राउजिंग यहाँ पे करूंगा इसी चीज को, सेम चीज को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये फिर से ओपन होने लगा, अब ये फिर से ओपनिंग मोड में आ गया और ये फिर से वर्क करने लगा, ये काम करने लगा। अभी इस तरह से आप वर्कर ऐड करके साइट को मेंटेनेंस मोड में ला सकते हैं। जब जब कभी जरूरत पड़ा तो आप मेंटेनेंस मोड में लाने का, तो वहां पे इस तरह से वर्कर, अगर क्लाउड फ्लेयर पे आप DNS मेंटेन कर रहे हैं तो इस तरह से वर्कर लगाकर आप साइट मेंटेनेंस, जो एड इवेंट लिस्टनर है, फेच हैंडल रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है उसको ये इवेंट कैच करे, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो ये कैच करे, जो हैंडल रिक्वेस्ट करेगा ये जो मेथड लिखा हुआ है, मेथड वहां पे रिक्वेस्ट को कैच करेगा और उसका हेडर मॉडिफाई करके HTML रेंडर करके भेज दे रहा है, जिसके कारण जब ब्राउजर को जा रहा है रेस्पॉन्स यहाँ से तो जो इसमें कंटेंट है वो वही मिल रहा है, और एक्चुअल सर्वर पे जहाँ पे एप्लीकेशन होस्टेड है वहां पे रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है। क्लाउडफ्लेयर पे जैसे ही आ रहा है और टोटल ट्रैफिक इससे राउट होकर जा रहा है, जो वर्कर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे एक राउट लगाए हुए हैं। राउट होगा कि जो URL आएगा यहाँ पे, जो भी URL आएगा इस वर्कर से होकर जाएगा, और ये वर्कर बोल रहा है कि हम आगे रेस्पॉन्स को, रिक्वेस्ट को नहीं पढ़ने देंगे, रिमोट सर्वर जहाँ पे है वहां पे रिक्वेस्ट को नहीं जाने देंगे, हम यहीं से ही रिडायरेक्ट कर देते हैं या उसको रेस्पॉन्स भेज देते हैं क्लाइंट को कि यही चीज तुमको दिखाना है। तो यहाँ से राउट हो गया, ट्रैफिक राउट हो गया क्लाउडफ्लेयर का, जो कि मेंटेनेंस विंडो अभी आपने देखा उस तरह से। एक छोटा सा वर्कर ऐड करने का है मेंटेनेंस के लिए, इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। Subscribe the channel and press the bell icon for latest updates.